देखिए, प्रश्नावली 1.6 को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फार्मूला है जो कि याद करना बहुत ज़रूरी है। याद नहीं है तो फिर आप प्रश्नावली 1.6 को नहीं बना पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैंने सबसे पहले कोशिश ये किया कि आप लोग को सारे फार्मूला को ही पढ़ा दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सब जितना भी फार्मूला पढ़ना है सारे फार्मूला को एक बार आपको रीड करा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए डालिए प्रश्नावली 1.6, सभी फार्मूला को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें पहला फार्मूला ये मिलेगा कि जब बेस बराबर हो, देखो ए के पावर एम गुना ए के पावर एन हो, इस कंडीशन में फार्मूला हमारा बनेगा कि जब दोनों का बेस बराबर हो तो बेस को लिखेंगे, अब पावर अलग अलग है ना, इसको जोड़ देंगे एम प्लस एन। इस पर क्वेश्चन कैसे मिलेगा भाई, एक एग्जाम्पल दे करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे मिलेगा कि 2 के पावर 4 गुना 2 के पावर 6 है, आप इसको कैसे बनाओगे। तो इसको बनाने का तरीका है कि दोनों का बेस क्या है, बराबर है, तो बेस को हम लिख लेंगे, पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 4 और 6 को जोड़ देंगे, 4 प्लस 6, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4, 6, 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब फार्मूला है जो कि आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा फार्मूला, जब यहीं भाग में हो, ए के पावर एम हो और भाग में ए के पावर एन हो, तब क्या करोगे भाई, वो तो गुना में था तो आपने जोड़ दिया था, जब भाग में रहता है तो बेस को लिखेंगे अब पावर को घटा देंगे एम माइनस एन, बस इतना ही चेंजिंग है, ठीक है। इस पे एग्जांपल लेना चाहते हो तो एक एग्जांपल ले लो। देखो, एक एग्जांपल है कि 2 के पावर 4 है और नीचे 2 के पावर 1 है, तो यहाँ पर देखो दोनों का बेस जो है बराबर है, तो बेस को लिख लेंगे, पावर को क्या करेंगे भाई, घटा देंगे, 4 में से 1 जाएगा, तो यहाँ से 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3, ये हमारा आंसर। इस तरह से आपको प्रश्नावली 1.6 में प्रश्न मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, यदि बेस बराबर था, गुना में था, तो ऐसे बनाया था मैंने फार्मूला, जब अलग अलग हो तो, मतलब ए के पावर एम हो और गुना बी के पावर एम हो, अब देखो बेस अलग अलग है, अब पावर क्या हो गया, बराबर, जब ऐसा कंडीशन हो तो इस बेस को गुना कर देंगे, ये करेंगे ए बी, अब पावर दोनों बराबर है ना, तो उसमें से कोई एक लिख लेंगे, ठीक है। इस पर एग्जांपल दिखा दें, आइए एक एग्जांपल भी बता देता हूँ। एग्जांपल ये है कि 2 के पावर 4 है और गुना 3 के पावर 4 है, तब क्या करोगे, दोनों अलग अलग है और गुना में है और पावर बराबर है, तो गुना कर देंगे 3 दुना 6, पावर दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर फार्मूला देखिए, 4 नंबर फार्मूला ये है कि यदि मान लो कि ए के पावर एम है और इसका पावर एन है, पावर का पावर आ गया, इस कंडीशन में पावर का जब पावर रहता है तो गुना हो जाता है, ये होगा एम गुना एन। एग्जाम्पल यहाँ से कि 2 के पावर 4 और इसका पावर 10 है, तो क्या होगा, 2 का 2 लिखेंगे और 4 और 10 को गुना कर देंगे, 40 हो जाएगा, ठीक है। ये सब छोटे छोटे फार्मूला है जो कि आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए, उसके बाद आपको कुछ फार्मूला ऐसे भी यूजेज होंगे कि मान लो कि कौन सा फार्मूला, अब तो मेरे ख्याल से इसमें फार्मूला नहीं है, ठीक है ना, इतना ही शायद यूज होगा। एक फार्मूला है जो आपको मैं बता दूं, कौन सा फार्मूला था याद नहीं आ रहा है, हाँ ये वाला कि मान लो कि यहाँ पर 4 के पावर -1 है, तो इसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ, इसका मतलब है कि 1 के पावर -1 है तो मैं 1/a लिख सकता हूँ, ये फार्मूला है, ठीक है। मान लो कहीं पर 1/a है तो इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो 1 के पावर -1 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये सब छोटे छोटे फार्मूला है जो आपके प्रश्नावली 1.6 में मिलेगा। अब मैं चलता हूँ, प्रश्नावली को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, आइए। चलिए, प्रश्नावली 1.6 का पहला प्रश्न देखते हैं। ये बोला है ज्ञात कीजिए, मतलब 64 के पावर 1/2 है, दूसरा है कि 32 के पावर 1/5 और तीसरा है 125 के पावर 1/3। ये प्रश्न है और आपको इसका मान ज्ञात करना है। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ये सारे प्रश्न आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। आइए सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रश्नावली 1.6 का पहला प्रश्न,
ठीक है, क्या है 64 के पावर 1/2, 64 के पावर 1/2 है। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, ये जो 64 दिया है, इस 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 के पावर 2 लिख सकता हूँ। कैसे भाई, क्योंकि 8 के पावर 2 करेंगे 64 हो जाएगा, तो 64 के बदले मैं 8 के पावर 2 कर लिया मेरे भाई। ठीक है, और पावर में क्या है, 1/2 मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। 64 के बदले मैंने 8 के पावर 2 कर लिया और उसके पावर में 1/2 कर लिया। अब देखो यहाँ पर ये और दो और ऊपर नीचे है तो दोनों क्या होता है, कट जाता है। क्या होता है, कट जाता है, ये दो और ये दो क्या हो गया, कट गया। ये सब मैथमेटिक्स का रूल है। अब देखो 8 के पावर 1 है, 8 के पावर 1 क्या, 8 को 1 बार 8 होगा। ये हमारा पहला का आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए दूसरा इसका देखिए, दूसरा प्रश्न है 32 के पावर 1/5, 32 के पावर 1/5। अब देखो 32 के पावर 1/5 है और इसका मान ज्ञात करना है। जब आप 32 का गुणनखंड करोगे ना, तो 32 के बदले आप 2 के पावर 5 लिख सकते हो। 2 को कितने बार 5 बार, 2 को 5 बार ले करके उसको गुना करोगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 32 आएगा। तो मैं 32 के 2 के पावर 5 भी लिख सकता हूँ। इसका पावर क्या है, 1/5, ये मैंने डाल दिया। अब ये 5 और ये 5 कट गया, क्या बचेगा, 2 के पावर 1, यानी 2 के पावर 1 का मतलब हुआ 2। ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा प्रश्न है क्या है, 125 के पावर 1/3 है। ठीक है, 125 के पावर 1/3 है। 125 का जब आप गुणनखंड करोगे तो 5 के पावर 3 लिख सकते हो, और इसका पावर क्या है, 1/3 है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ये 3 और ये 3 कट गया, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 5। ये हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आया, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए प्रश्न संख्या 1 हमारा कंप्लीट। अब दूसरा देखिए, ज्ञात कीजिए, ये भी इसका भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 2, 2 का पहला, दूसरा का पहला है 9 के पावर 3/2, 9 के पावर 3/2 है। ठीक है, और 9 के पावर 3/2 है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले ना 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 के बदले मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। और इसका पावर क्या है, 3/2 है। देखो ऊपर और नीचे ये दो दो क्या हो गया, कट गया, बचेगा क्या भाई, 3 के पावर 3, क्या बचेगा, 3 के पावर 3 बचेगा। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अब 3 के पावर 3 बचेगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 को 3 बार लिख सकता हूँ। 3 का 9, 9 3 27, ये हमारा 27 आंसर हो जाएगा, 27 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा है 32 के पावर 2/5, 32 के पावर 2/5। ठीक है, 32 के पावर 2/5 है, तो 32 के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 32 के बदले हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, और इसका पावर क्या है, 2/5, ये 5 और 5 कट गया, तो मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 को कितने बार 2 बार, 2 दूनी के 4, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा इसका देखते हैं, तीसरा प्रश्न क्या है, 16 के पावर 3/4, 16 के पावर 3/4, 16 के पावर 3/4। ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इस 16 के बदले मैं 2 के पावर 4 लिख सकता हूँ। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर 4 मैं लिख सकता हूँ। पावर में क्या है, 3/4, ये 4 और 4 कट गया, क्या बचेगा, 2 के पावर 3, यानी हमारा 2 गुना 2 गुना 2, यानी 8 आंसर हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया। इसका चार नंबर देखते हैं। चार नंबर प्रश्न क्या है, 125 के पावर माइनस 1/3 है, ये थोड़ा सा अलग है। 125 के पावर माइनस 1/3, ठीक है। 125 के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 के पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसका पावर में माइनस 1/3 है, 3 और 3 कट गया, तो यहाँ से 5 के पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब हुआ कि माइनस 5, क्योंकि 5 को माइनस 1 बार गुना करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 3 देखिए हमारा प्रश्न क्या है, सरल करना है, ये देखिए सरल करना है, यह आपको मैंने फॉर्मूला जो बताया ना उसी पर बनने वाला है। चलिए जी प्रश्न संख्या 3 क्या है, 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5, 2 के पावर 1/5, ये प्रश्न है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो दोनों जगह बेस क्या है, बराबर है, तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यह फॉर्मूला पढ़े हो ना कि ए के पावर एम गुना ए के पावर एन, जब बेस बराबर हो तो पावर को जोड़ देंगे, बेस को सिर्फ लिख लेंगे और पावर को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए बेस दो दो है ना, दो को लिख लेंगे, पावर क्या है 2/3 प्लस 1/5। यहाँ से देखो 2 के पावर 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको भाग देंगे 5 बार, 5 से 2 से करेंगे 10 हो जाएगा, प्लस इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 और 1 से करेंगे 3। यहाँ से 2 के पावर देखो 10 और 3 जोड़ेंगे 13/15, ठीक है। तो 2 के पावर कितना हो गया, 2 के पावर 13/15 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये तीसरा का पहला प्रश्न था, ठीक है। चलिए इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 1/3 के पावर 3 और इसका पावर है 7, ये प्रश्न है। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, कहाँ पर, ऊपर। आपको पता है ना फॉर्मूला, आपको मैंने पढ़ाया था कि 1/a के पावर n है, इसको ऊपर लेकर जाओगे तो माइनस n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर लेकर जाता हूँ, तो 3 के पावर माइनस 3 हो गया और इसका पावर क्या है 7। और आपको ये भी पता है कि पावर का पावर होता है तो क्या होता है, गुना हो जाता है, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, माइनस 21, ये हमारा आंसर, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, इसका तीसरा प्रश्न क्या है, 11 के पावर 1/2 बटे 11 के पावर 1/4, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले दोनों का देखो, ये अब फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया था कि ए के पावर एम हो और भाग में हो ए के पावर एन, यानी बेस बराबर है तो बेस को लिखेंगे, पावर को घटा देंगे, एम माइनस एन। यहाँ से 11 लिख लेंगे, पावर को घटा देंगे, 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। यहाँ से 11, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4, इसको भाग देंगे 2 बार में, 2 और 1 से करेंगे 2, इसको भाग देंगे 1 बार में, 1 और 1 से करेंगे 1, तो यहाँ से 11 के पावर 1/4 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चार नंबर देखिए क्या है, चार नंबर है 7 के पावर 1/2 गुना 8 के पावर 1/2 है। अब यहाँ देखो दोनों गुना में है और बेस अलग अलग है, पावर बराबर है, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था कि ए के पावर एम हो गुना यहाँ बी के पावर एम हो, मतलब बेस अलग अलग, पावर बराबर हो तो ए बेस को गुना कर देंगे तो ए बी हो जाएगा, पावर दोनों बराबर है तो उसमें से कोई एक लिख लेंगे, तो यहाँ तक 7/8 56 हो जाएगा, और दोनों बराबर है ना कोई एक लिख लेंगे, ये हमारा आंसर। इस तरह से हमारा सभी प्रश्न बनता है, आप ध्यान से बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था प्रश्नावली 1.6। और इसके साथ हमारा चैप्टर 1 का पूरा कंप्लीट होता है, अब हम लोग चैप्टर 2 में जाएंगे, ठीक है। हाँ, सभी फार्मूला को याद रखिए, नहीं याद रखेंगे तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा मेरे भाई, सभी फार्मूला को याद करके रखा करो, ठीक है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।